स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने स्टोरी को यहाँ तक कवर कर लिया था। आज इसके आगे देखते बात समझते हैं। आई फ्लैट एट द सरफेस ऑफ द वाटर सैलोड एंड चॉक्ड। मैं पानी की सतह पर हाथ पटकता रहा। मैंने पानी की सतह पर हाथ पटके, पानी को निगल गया और मेरी सांसें रुक गईं। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेट वेट पैरालाइज्ड एंड रिजिड। मैंने अपने पैरों को ऊपर निकालना चाहा, किंतु वे एक मृत भार के जैसे लटके हुए थे जो गतिहीन थे और कठोर थे। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर। एक बड़ी ताकत मुझे नीचे की ओर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी। मैं चिल्लाया, किंतु केवल मुझे पानी ने ही सुना। I had started on the long journey back to the bottom of the pool. मैंने पूल में नीचे जाने के लिए एक लंबी यात्रा स्टार्ट कर दी थी, अर्थात शुरू कर दी थी। I stuck at the water as I bent down. मैंने अपने हाथ पैरों को चलाया जब मैं पानी के नीचे जा रहा था। Expanding my strength as one in nightmare fights and irresistible force. मैं अपनी शक्ति को ऐसे खर्च कर रहा था जैसे किसी दुःस्वप्न में मैं किसी अप्रतिरोध शक्ति से लड़ाई हो रही हो। I had lost all my breath. मैं अपनी सांसें खो चुका था। My lungs ached. मेरे फेफड़े दर्द दे रहे थे। My head throbbed. मेरा सिर धक धक कर रहा था। I was getting dizzy. मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी। किंतु मुझे अपनी रणनीति याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क ऑफ द सरफेस। मैं तालाब के नीचे से, अर्थात पूल के नीचे से, एक स्प्रिंग के जैसे बाहर उछलूंगा और एक कॉर्क के तरह उसके तल पर वापस आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर। और मैं उस पर सपाट लेट जाऊंगा, अर्थात मैं पानी के ऊपर सपाट लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म। और मैं अपने हाथों से बाहर की तरफ निकलूंगा। एंड ट्रेट्स विथ माई लेग्स। और मैं अपने पैरों से उस पानी को पीटूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। और मैं पूल में किनारे पर पहुंचकर या किनारे पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। I went down, down endlessly. मैं नीचे चला गया और नीचे अंतहीन। I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow. मैंने अपनी आँखें खोली, किंतु पानी पीले पानी के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। डार्क वाटर डेट वन कुड नॉट सी थ्रू।
उस गहरे पानी से कोई भी नहीं देख सकता था। एंड देन सीर स्ट्राक टेरर सीज्ड मी। फिर उस सरासर भयानक आतंक ने, डर ने मुझे पकड़ लिया। टेरर डेट नो अंडरस्टैंडिंग, डर जो किसी को भी नहीं समझता। टेरर डेट नो कंट्रोल, भय जिसमें कोई नियंत्रण नहीं रहता। टेरर डेट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। और ऐसा भय जिसे कोई भी नहीं समझ सकता, जिसे जिसने भी इसका अनुभव ना किया हो। आई वाज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के भीतर चीख रहा था। आई वाज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिप्ड रिजिड विथ फेयर। मैं पानी के भीतर गतिहीन होकर अकड़ा हुआ था और भय से कठोर हो चुका था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वेयर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरी जो चीख थी वह भी गले में जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड डेट आई वाज स्टिल अलाइव। केवल मेरा दिल और मेरा सिर जो धक धक कर रहा था, उसी से मुझे पता लग रहा था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन्स। जब मैं भय के बीच में था, तभी मुझे एक तार्किक विचार आया, या एक तार्किक विचार ने मुझे छुआ। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। मुझे याद रखना चाहिए कि जब भी मैं उस पूल के नीचे टकराऊंगा या हिट करूंगा तो मुझे ऊपर उछलना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। अंततः मैंने अपने नीचे उस पूल की टाइल्स का अनुभव किया। माई टॉयज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। मेरे पैरों की जो उंगलियां थीं वह खुली हुई थीं, जैसे उसे पकड़ना चाहती हूँ। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड। मेरे पास जो कुछ भी था, मैंने उसी के साथ ऊपर की तरफ जंप लगा दी। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। किंतु उछलने से कुछ भी नहीं हुआ। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी। पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रॉक लैडर्स वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। मैं खोज रहा था वहाँ रस्सियों को, सीढ़ियों को और वाटर विंग्स को, किंतु वहाँ कुछ भी नहीं था। था तो केवल और केवल पानी। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। बहुत सारा पीले पानी ने मुझे घेर लिया था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के एक झटके की तरह भय ने, उस भयानक भय ने मुझ पर एक गहरी पकड़ बना ली थी। आई सूक एंड ट्रम्बल्ड विथ फ्राइट। मैं डर के कारण बुरी तरह से कांपने लगा था। माई आर्म्स वुड नॉट मूव। मेरे हाथ हिल भी नहीं रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव। मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प। मैंने मदद के लिए बुलाने का प्रयास किया। टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को पुकारा। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। और फिर अजीब तरह से
वहाँ मुझे रोशनी दिखाई दी, प्रकाश दिखाई दिया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं भयानक पीले पानी में बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आइज वेयर, कम से कम मेरी आँखें बाहर आ गई थीं। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक भी लगभग बाहर ही थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, तब मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा था। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने हवा खींचनी चाही लेकिन मुझे मिला तो केवल पानी। द एलोएस लाइट वॉज गोइंग आउट, जो पीला रोशनी थी, पीला प्रकाश था, वह जाने लगा था, अर्थात उसकी आँखों से हटने लगा था। देन ऑल एफर्ट कैस्ट, फिर सारे प्रयास बंद होने वाले थे। आई रिलैक्स्ड, मैं ढीला हो चुका था, ढीला पड़ गया था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्स एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, यहाँ तक कि मेरे जो पैर थे वह शिथिल हो गए थे और मेरे दिमाग पर एक अंधकार सा छाने लगा था। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने डर को मिटा दिया था, धो दिया था। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने उस आतंक को धो दिया था, मिटा दिया था। देयर वाज नो मोर पैनिक, अधिक दहशत नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, यह खामोशी और शांतिपूर्ण थी, यह खामोशी अधिक शांतिपूर्ण थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की अब कोई बात नहीं थी। दिस इज नाइस, यह अच्छा है। टू बी ड्रोजी, बेहोश होना। टू गो टू स्लीप, सोने को जाना। नो नीड टू जम्प, उछलने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। टू ट्राई टू जम्प, उछलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। इट इज़ नाइस टू बी कैरीड जेंटली, धीरे धीरे बहते जाना अच्छा है। टू फ्लोट एलोन इन स्पेस, अंतरिक्ष में तैरने के लिए। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों ओर कोमल बाजुएं थीं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, माँ की तरह कोमल बाहें। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मैं अपनी विस्मृति को क्रॉस पार कर गया था और अब मेरे जीवन का जो पर्दा था वह गिरने वाला था। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर, आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टोमच बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। अगले ही पल मुझे याद आया कि मैं पेट के अपने पेट के बल लेटा हुआ हूँ, बिसाइड द पूल, पूल के बगल में, वॉमिटिंग, और मैं उल्टियाँ कर रहा हूँ। द चैप दैट थ्रो मी इन वॉज सेइंग, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, जिस लड़के ने मुझे फेंका था वह मुझसे कह रहा था, वह कह रहा था, लेकिन मैं सिर्फ बेवकूफ बना रहा था। किसी ने कहा द किड नियरली डाइड, यह बच्चा मरने ही वाला था या मरने के बिल्कुल ही करीब था। बी ऑल राइट नाउ, अब वह बिल्कुल ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसको अब लॉकर रूम में लेकर चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉक्ड होम, कई घंटों के बाद
मैं अपने घर चला गया। आई बाज बीक, मैं कमज़ोर हो गया था एंड ट्रम्बलिंग, और कांप रहा था। आई सुक एंड कैरीड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मैं कांप कर रोने लगा था। आई कुड नॉट ईट डैट नाइट, मैंने उस रात कुछ भी नहीं खाया। फॉर डेज ए हंटिंग फियर बाज इन माई हार्ट, कई दिनों तक मेरा दिल भयभीत रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबली इन द नी एंड सिक टू माई स्टोमच। थोड़ी सी भी मेहनत मुझे परेशान कर देती थी, और मुझे और मेरे घुटने कांपने लगते थे, और मेरा पेट बीमार हो जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी भी फिर पूल पर वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगता। जितना भी मैं कर सकता था मैंने उतना पानी से परहेज किया, अर्थात मैं पानी से दूर रहा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.